तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल्स का ऑपरेशन बेस। तो जैसा कि काफ़ी भाई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ कि ऑपरेशन बेस में पर्पल कार्ड कैसे मिल सकता है, तो यार आज उसी बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल आसानी से आपको पर्पल कार्ड मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक साथ आपको चार चार पर्पल कार्ड लेकर दिखाऊँगा आज के वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो पूरा देखना यार आज का। अब दोस्तों, मैं आपको पहले सारी बात क्लियरली समझा देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे ऑपरेशन बेस में मेरी एडवर्क बेंच जो है ना, वो पूरी तरह से अपग्रेड हो चुकी है। अब उसमें कुछ आइटम तो ओपन हुए ही नहीं है, लेकिन मतलब ऑपरेशन बेस का कुछ ऐसा ही सिस्टम होता होगा कि मतलब पूरा आइटम ओपन नहीं होते। तो यहाँ पे फिर उसके बाद स्पेयर तो ज़्यादा मिलते ही ऑपरेशन बेस में, तो उन स्पेयर का होगा क्या, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके पास में लगभग 15,000 स्पेयर हो जाए, तो जैसे कि मेरे पास में अभी लगभग 15,000 स्पेयर हो गए हैं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा बॉन्टी बार है ना, इसमें एक पर तो लॉक है एक ऑप्शन पर, तो क्योंकि मैंने बॉन्टी बार को ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया, लेकिन चार ऑप्शन पर से लॉक हट चुका है। तो हमें करना क्या होगा, इन्हें रिफ्रेश करना होगा। तो जैसे कि एक ऑप्शन में तो मुझे अभी पर्पल कार्ड मिल सकता है, ठीक है ना। इसमें कुछ मिशन दिया है, वो मिशन मुझे करना पड़ेगा, ये मैं बाद में करूँगा, पहले एक बार चार ऑप्शन में मुझे पर्पल कार्ड मिल जाए। तो इसी तरह से आपको भी मतलब रिफ्रेश करना है स्पेयर से, जब आपके पास में स्पेयर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं रिफ्रेश करके कब तक पर्पल कार्ड हमें मिलता है। अब दोस्तों देखो कि जो मिशन इसमें दिए जाएंगे ना, वो मिशन आपको करना है, तभी आपको पर्पल कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं करके भी दिखाऊंगा, वैसे आपको ऐसी बात नहीं है मैं सिर्फ इसमें दिखा दूं आपको, मैं वो मिशन पूरे करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे आपके समझ में आ जाएगा, जिन भाइयों के समझ में नहीं आ रहा कि पर्पल कार्ड कहाँ से ले और कैसे ले फ्री में। तो चलो अभी भी यार यहाँ पे पर्पल कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैं अभी तक रिफ्रेश करता रहूँगा जब तक पर्पल कार्ड नहीं आएगा। तो आजा भाई आजा, कितना टाइम लगाएगा यार, मेरे स्पेयर ही ख़त्म हो जाएंगे यार रिफ्रेश करने में। तो दोस्तों देख लो मतलब कितनी बार मैंने रिफ्रेश किया, उसके बाद में पर्पल कार्ड आ चुका है। तो इसमें भी हमें मिशन मिला है, ये मिशन मुझे पूरा करना होगा, ठीक है। अब दो ऑप्शन और बचे हैं, उन्हें भी रिफ्रेश करना पड़ेगा यार हमें। तो जल्दी से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, वैसे अभी तक मेरे पास में स्पेयर है। तो चलो इसमें भी पर्पल कार्ड आ चुका है, इसमें मिशन दिया गया है। तो इसमें भी ब्लू कार्ड आया था, लेकिन ब्लू कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे पर्पल कार्ड चाहिए, तो इसीलिए पर्पल कार्ड का ही मैं मिशन करूँगा। अब आप चाहो तो ब्लू कार्ड का भी कर सकते हो यार, वो भी ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं तो इसको रिफ्रेश करता रहता हूँ, क्योंकि अब तो एक ही ऑप्शन रह गया है और अपने पास में स्पेयर होंगे अभी तक यार, वैसे मैंने अपना बैग चेक नहीं किया है, लेकिन शुरू में मुझे पता है कि लगभग 15,000 स्पेयर थे मेरे पास में। अब दोस्तों ऑपरेशन बेस की एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको स्पेयर कम मिलते हैं ऑपरेशन बेस में, जैसे डेली एक्टिव से तो हमें स्पेयर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अगर आपके कम पड़ रहे हैं, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे कि स्पेयर कैसे ज़्यादा किए जाए ऑपरेशन बेस में, तो मैं आपको और काफ़ी सारे ऐसे तरीके बताऊँगा जिनसे आप बहुत ज़्यादा स्पेयर एक ही दिन में कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कॉमेंट कर देना अगर आपको ज़रूरत लगे तो, क्योंकि ऑपरेशन बेस में काफ़ी तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेयर मिल सकते हैं। अब दोस्तों देख लो, ये बॉन्टी बार जो है ना ऑपरेशन बेस में, ये और भी बहुत काम का है। जैसे कि अभी मैं तो पर्पल कार्ड के लिए इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, और मिशन में पर्पल कार्ड के लिए करूँगा, लेकिन यहाँ से जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ग्रीन कार्ड भी आप ले सकते हो, और इससे स्पेयर भी मिल सकते हैं आपको। तो देख लो मतलब अभी चारों ऑप्शन में मुझे पर्पल कार्ड मिल चुका है, ठीक है, लेकिन अभी तक ये मेरे पास में आया नहीं है, अभी तक मुझे ये सारे मिशन करने पड़ेंगे, उसके बाद में ये अपने पास में आ जाएंगे। तो चलो यार सबसे पहले पहला मिशन करते हैं, ठीक है। तो अपनी बाइक उठा लेते हैं फटाफट से और चलते हैं मिशन की लोकेशन पर। अब दोस्तों मेरे बैग में स्पेयर थे काफ़ी सारे, लेकिन मैं जल्दी से मिशन करने निकल गया, तो मैं भूल गया यार कि मेरे बैग में इतने सारे स्पेयर भी है। तो चलो यार अभी मैं आ चुका हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें मिशन पूरा करना है। तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है यार, उस मॉन्स्टर को हमें किल करना है, और उसके बाद में हमें पर्पल कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ यार, नहीं तो मॉन्स्टर मैं सामने रहूँगा ना, तो मुझे किल कर देगा। तो ये देख लो वहाँ पर मॉन्स्टर है, और अभी मैं दूर से उस पर फायर करूँगा, क्योंकि पास जाएंगे तो वो भी हम पे फायर करेगा। तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा ना वहाँ पे मॉन्स्टर है एक। अब यार इतना मैंने देखा नहीं पास जाके कि मतलब वो मॉन्स्टर है या फिर ज़ॉम्बी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मॉन्स्टर ही होगा। तो चलो यार अभी फ़िलहाल मैंने मॉन्स्टर को किल कर दिया है, और वो गायब भी हो चुका है यहाँ से। तो अपना जो पहला पर्पल कार्ड है ना, वो अब हमें मिल सकता है। तो ये देख लो यार, एक पर्पल कार्ड हमें मिल चुका है, मतलब एक मिशन मैंने कम्प्लीट कर दिया है।
तो दोस्तों अब बाकी बचे हैं 3 मिशन। तो अब मैं दूसरी लोकेशन पे आ चुका हूँ एक और मिशन कंप्लीट करने के लिए। तो सामने मुझे जोम्बी दिखाई दे रहे हैं और ये वही लोकेशन है जहाँ पे हमें मिशन पूरा करना है इन जोम्बी को किल करके। ठीक है, तो जल्दी से मैं जोम्बी को किल कर लेता हूँ यार। चलो तो 2 जोम्बी तो किल हो गए हैं, लेकिन अभी और सामने मुझे जोम्बी दिखाई दे रहे हैं और मतलब मिशन में यही बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी जोम्बी हैं उन्हें किल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया यार, मैंने देखा था तो सिर्फ यहाँ पे जोम्बी थे तो मैं किल हो गया यार। यहाँ पे पता नहीं जोम्बी के हाथ में क्या था यार, जो एक बार में उसने मुझे मतलब नॉक कर दिया। तो अभी मैं दोबारा अपने बेस से आया हूँ यार ये मिशन पूरा करने के लिए, और अब मैंने मतलब दूर से ही सभी जोम्बी को किल किया है। वैसे एक ही जोम्बी ऐसा था यार जो मुझे एक ही बार में मतलब नॉक कर दिया, तो आप लोग भी थोड़ा संभल के यहाँ पे मिशन करना यार। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मेरा दूसरा मिशन भी हो चुका है, तो पहले मैं अपनी हेल्थ थोड़ी बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार। देख लो मतलब दूसरा जो पर्पल कार्ड है वो भी मुझे मिल जाएगा अब। तो पहले तो मैंने आर्मर इक्विप किया और अब देखो मैं आपको बताता हूँ दूसरा ये पर्पल कार्ड मुझे मिल गया है। अब 2 और ऑप्शन बचे हैं जहाँ पे हमें पर्पल कार्ड मिल चुके हैं, और 2 पर्पल कार्ड तो मेरे बैग में आ ही चुके हैं। तो चलो अब तीसरा मिशन जो है वो मैं आपको बता दूँ कि हमें अपने बैग में 300 नेटल रखनी है, और वो नेटल मतलब गेम ले लेगा और उसके बदले में हमें एक पर्पल कार्ड दे देगा, ये मिशन है। ठीक है, तो अभी मेरे बेस में काफ़ी सारी नेटल है तो वो मैं अपने बैग में रखूँगा और उसके बाद में ये मिशन भी हो जाएगा आसानी से। तो यार दोस्तों वैसे तो मेरे बैग में अभी भी नेटल थी, लेकिन मतलब जब मैंने देखा ना मिशन में तो मिशन ये बता रहा था कि मतलब अभी तक आपके बैग में इतनी नेटल नहीं है, मतलब कि 300 पूरी नेटल नहीं है, तो हमें एक साथ पूरी नेटल रखनी है बैग में। तो चलो देख लो अपने पास में कितनी सारी नेटल है यार। तो मैंने बैग में रख लिए यार, और अब मैं देखता हूँ ये वाला जो मिशन है ये भी कम्प्लीट हो चुका है। तो ये देख लो एक और मुझे पर्पल कार्ड मिल चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आज का ये वीडियो देखने में, क्योंकि आपको फ्री में 4-4, 5-5 पर्पल कार्ड मिल सकते हैं यार बिना कोई दिक्कत के। तो दोस्तों अब ये लास्ट वाला ऑप्शन बचा है, एक और मिशन है मतलब ये, और इस मिशन में मुझे करना है एक म्यूटेंट सेल अपने पास रखना है, मतलब बैग में लेना है यार, और मेरे पास में ये सेल नहीं है। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके ज़रूर दिखाऊंगा कि ये मिशन कैसे कंप्लीट होगा। जब आपके पास में भी ये सेल नहीं होगा तो फिर उसके बाद आप भी कैसे कंप्लीट कर सकते हो ये मिशन, लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कंप्लीट करना है। तो आपके पास भी ये वेंडिंग मशीन लगी हुई होगी ऑपरेशन बेस में, तो यार इसमें क्या है जो सेल है ना वो मतलब काफ़ी बंदे सेल करते रहते हैं, तो आप बाय कर सकते हो यहाँ से। तो इसमें काफ़ी सारे आइटम रहते हैं, तो देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है यार कहाँ पर सेल हो रहा है अभी, तो एक बार देखता हूँ यार मैं। लेकिन यहाँ पे आपको हर आइटम मिल जाएगा, आप चाहो तो बाय कर सकते हो ट्रेड टिकट से। ठीक है, और जितना मुझे याद है तो ये देख लो यहाँ पे म्यूटेंट सेल ये आ गया है। तो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब ज़्यादा हमारे ट्रेड टिकट भी नहीं लगेंगे, तो मैं ये जो सस्ता वाला है ना ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपने पास में एक म्यूटेंट सेल भी आ चुका है, तो इसी तरह से आप भी ले लेना यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये देख लो ये आ चुका है अपने बैग में, और आप मतलब ऑनलाइन ही खरीद सकते हो यहाँ से। तो ये वाला मेरा जो मिशन है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और अब अपने पास में 4-4 पर्पल कार्ड आ चुके हैं। अब दोस्तों देखो मैं अगर चाहता ना तो ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट में भी बना सकता था, मतलब डायरेक्ट मिशन करके आपको दिखा देता कि देख लो मुझे मिशन करने से 4-4 पर्पल कार्ड मिले हैं, तो ये आपको बोंटी बार्स मिल जाते, ऐसे मैं बोल सकता था। लेकिन मैंने आपको सारे मिशन भी करके दिखाए हैं। वो क्यों करके दिखाया है कि क्योंकि न्यू प्लेयर जो होते हैं ना उनके समझ में नहीं आता है कि यार जो मिशन है वो कैसे कंप्लीट किए जाए, तो इसलिए मैंने सब कुछ करके दिखाया। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि इतनी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बोल देते हैं। तो यार मेरा कारण ये रहता है कि मतलब मैं सबको ठीक से समझाना चाहता हूँ ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। मेरा एक ही वीडियो देखने पर आपके सारा सब कुछ समझ में आ जाता होगा, मैं यही मानता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यार लोगों के भी समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, और इसीलिए वीडियो बनाता हूँ मैं ताकि न्यू प्लेयर को खेलने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो अभी अपने पास में 4-4 पर्पल कार्ड आ चुके हैं, अब इनको बाद में हम मतलब पर्पल रूम ओपन कर लेंगे यार, क्योंकि ये लगभग 8 बार तो हमारे काम आएंगे, 8 मौके हैं अपने पास में। अब ये मत सोचना दोस्तों कि मतलब आपका बोंटी बार अगर जैसे कि उसमें 3 ही मिशन के ऑप्शन ओपन है तो आप 3 मिशन कर लेना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आपके 5 ऑप्शन ओपन है तो आप 5 मिशन कर लेना। बस मैंने एक बार करके दिखाया है कि इस तरह से आप पर्पल कार्ड ले सकते हो।
ओके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो पे 500 लाइक का एम रखा है मैंने, और जिन भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए यार, ताकि और भाई लोग भी हमारे वीडियो को देख पाए यार। तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।